वीडियो को मैं तीन पार्ट पे डिवाइड करने वाला हूँ। ऑक्शन क्या होता है, कितने तरह के ऑक्शन होते हैं और किस तरीके से आप इन ऑक्शंस में पार्ट ले सकते हैं, और लास्ट में थोड़ा सा मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश करूंगा, तो वो भी आप लोग देख लेना। तो नमस्कार, मेरा नाम है दीपांकर और आप लोग देख रहे हैं ग्लोबल व्यापार, जहाँ पे हम बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कस्टम क्लियरेंस, कंप्लायंसेस की। देखिए, इस टाइम पे इंडिया में जितने ऑक्शन होते हैं वो MSTC द्वारा कवर किए जाते हैं, MSTC द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। ऑक्शन बेसिकली दो तरह के ऑक्शंस होते हैं, एक होता है जनरल ऑक्शन, एक होता है कस्टम ऑक्शन। सबसे पहले बात करते हैं कस्टम ऑक्शन की। कस्टम ऑक्शन होता है जब भी कोई बंदा बाहर से इंपोर्ट करता है या हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होता है और वो माल क्लियर नहीं हो पाता तो वो ऑक्शन में डाल दिया जाता है। ऑक्शन में आने वाला माल 99% इंपोर्ट का होता है। यहाँ से हमारे देश से बाहर एक्सपोर्ट होने वाला माल बहुत ही कम चांसेस हैं कि वो ऑक्शन में चले जाए। कभी कभी जो गलत तरीके से ड्यूटी ड्रॉबैक वगैरह लेने की कोशिश करते हैं उनका माल चला जाता है ऑक्शन में। तो इम्पोर्ट में मोस्टली जो इम्पोर्ट होता है बाहर से उसका अनक्लियर्ड जो गुड्स हैं वो ऑक्शन में चला जाता है। अब इम्पोर्ट दो तरीके से होता है, बाई एयर और बाई सी। बाई एयर होगा तो वो एयरपोर्ट में जाएगा, बाई सी होगा तो वो कंटेनर के थ्रू आएगा, फिर वो आके ICD में भी आ सकता है, सी पोर्ट में भी क्लियर हो सकता है, और दोनों जगह पे ऑक्शन होते हैं। जब वो माल आता है, मैं कंटेनर की बात पहले करता हूँ, जब वो माल आता है और वो क्लियर नहीं हो पाता फॉर वेरियस रीजन, हो सकता है कि कंप्लायंस हो सकता है, डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है, कि फंड की शॉर्टेज हो, और वो इंपोर्टर उस माल को क्लियर नहीं करा पाता, तो गवर्नमेंट उसको ऑक्शन में डाल देती है। एज पर सेक्शन 48 ऑफ कस्टम एक्ट 1962, कस्टम के पास ये अथॉरिटी है कि अगर कोई भी इंपोर्टेड गुड्स या एक्सपोर्टेड गुड 30 डेज तक क्लियर नहीं हो रहा और कोई क्लेम करने वाला नहीं है तो वो कस्टम ऑक्शन का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं, और पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में अप टू 180 डेज का टाइम लग सकता है। 180 डेज बाद वो जो माल है उसको आप MSTC की वेबसाइट पे देख सकते हैं, लिस्टेड फॉर कस्टम ऑक्शन। एयरपोर्ट का ऑक्शन भी सिमिलर वे में ही होता है। ऑक्शन में माल डालने का, क्लियरेंस का सारा प्रोसेस एयरपोर्ट में सेम ही होता है। फर्क इतना होता है कि कंटेनर जब आता है तो क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है और एयरपोर्ट में कहीं ना कहीं क्वांटिटी काफी कम होती है। ये तो बात हो गई कस्टम ऑक्शन की। अब बात करते हैं कितने तरह के ऑक्शन होते हैं। कस्टम ऑक्शन के अलावा जनरल ऑक्शन भी होता है। कस्टम ऑक्शन से आपको पता लग रहा है जो भी माल कस्टम में क्लियर नहीं होता उसको ऑक्शन किया जाता है बाय कस्टम्स और कस्टोडियन। कस्टोडियन कौन होता है, जो उस माल की देखरेख करता है, जैसे कि MSTC हो गया, अदानी पोर्ट हो गया, वो लोग। अब जो नॉन कस्टम ऑक्शन होते हैं वो होते हैं जैसे कि बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं इंडिया में, बड़े बड़े भेल के, सेल के, रिलायंस इंडस्ट्रीज हैं, अदानी इंडस्ट्रीज हैं, कि बहुत बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, वहाँ पे मशीनरी खराब होती है, आउटडेट हो जाती है, रॉ मटेरियल में बहुत सारा स्क्रैप निकलता है, तो उसका भी जो ऑक्शन है MSTC के द्वारा कराया जाता है और इसको नॉन कस्टम ऑक्शन कहा जाता है। पार्ट कैसे लेना है और क्या चार्जेस लगते हैं। देखिए, पार्ट लेने के लिए आपको MSTC में रजिस्ट्रेशन कराना होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। लोगों को सिर्फ कस्टम्स ऑक्शन में पार्ट लेना है, 5000 प्लस GST की एक रजिस्ट्रेशन फी देनी पड़ती है जो कि लाइफ टाइम के लिए वैलिड होती है। और अगर आप लोगों को कस्टम ऑक्शन के साथ साथ बाकी सारे ऑक्शन में, जनरल ऑक्शन में भी पार्ट लेना है, तो आप लोगों को 10,000 प्लस GST की एक रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है, और इसके बाद आप लोग कस्टम ऑक्शन में पार्ट ले सकते हैं। बिडिंग का मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, बिडिंग किस तरीके से होती है। बिडिंग जब होती है तो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक ID पासवर्ड मिलता है, उस ID पासवर्ड के थ्रू आप लोग लॉग इन करते हैं, एक आपके पास कार्ड भी बन के आता है, उस कार्ड को दिखा के आप कस्टम ऑक्शन, कस्टम बॉन्डेड एरिया में जा सकते हैं, माल को चेक कर सकते हैं, वैल्यूएशन अपने हिसाब से लगा सकते हैं, और उसके दो या तीन दिन बाद जब उसका ऑक्शन होता है तो उस दिन आपको जो ID पासवर्ड मिलता है उसके थ्रू लॉगिन करके बिडिंग कर सकते हैं। बिडिंग का प्रोसेस थोड़ा सा मैं बता दूं आप लोगों को क्या होता है। ऑक्शन में बिडिंग का प्रोसेस इस तरीके से होता है कि जब भी कोई बंदा बिड करता है उसके ऊपर अगर कोई भी ₹1 का भी ज्यादा बिड करता है तो उसको 8 मिनट तक एक्सटेंड कर दिया जाता है। ऐसे ही 8 मिनट तक एक्सटेंड कर चलता रहता है ऑक्शन, जब तक कोई भी बंदा एक हायर वैल्यू बिड करता रहता है। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था मेरी तरफ से आप लोगों के लिए कस्टम ऑक्शन के बारे में। मैं आप लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा देना चाहूंगा। देखिए, ऑक्शन जो है ये मुझे नहीं लगता है कि सब लोगों के लिए है, और क्योंकि ये सरकार के द्वारा कराया जाता है, जब आप सरकार के साथ डायरेक्टली डील करते हैं चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं, डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट भी थोड़ा सा आ जाता है, चीजें कहीं ना कहीं डिले हो जाती है। तो मुझे नहीं लगता है कि आप एज एन इंडिविजुअल सीधा ऑक्शन में पार्ट ले सकते हैं। अगर आप लोगों के पास इतना फंड है और आप लोगों के पास इतने लिंक्स हैं कि आप ऑक्शन में पार्ट ले सकते हैं, तो आप धीरज सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनका एक पूरा ऑक्शन के ऊपर चैनल है, ऑक्शन एक्सप्रेस करके, उस पर वो ऑक्शन रिलेटेड वीडियोस डालते रहते हैं, और उन्होंने पास में भी ऑक्शन के ऊपर बहुत सारा काम किया है। उनका खुद का एक चैनल भी है काफी बड़ा, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। मैं उनका लिंक जो है स्क्रीन पर भी दिखा दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, जितने भी मैंने बात करी है उसका जो रीडेबल मटेरियल है गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी लिंक्स हैं वो सारे डिस्क्रिप्शन में रहेंगे। आप वहां से डाउनलोड करके सारी जो ऑक्शन मैनुअल है, बिडर्स मैनुअल है, वो सारी चीजें वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, कंप्लीट डिटेल वहां पे लिखी हुई है। तो ये वीडियो यहीं तक था। वीडियो में अब तक बने हुए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।